नमस्कार चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो ये रिएक्शन वीडियो है ना, वो डॉली धनंजय सर की अपकमिंग फिल्म हेड बुश का ये टीजर है। ये जो फिल्म है ना, वो जो कर्नाटका के डॉन थे, बाद में पॉलिटिशियन बने एमबी जयराज, उनके लाइफ के ऊपर है। तो इसके बारे में अनाउंसमेंट बहुत पहले किया गया था और फाइनली इसका टीजर कल रिलीज कर दिया गया है। और आज धनंजय सर का बर्थडे भी है, तो उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो आइए पहले ये हेड एंड बुश का टीजर देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके स्टार्ट। Directed by जो भी रोल कैरेक्टर दे दो ना, बॉस छा जाते हैं उसमें। ये स्माइल देखो, हेड बुश वॉल्यूम 1 प्रेजेंटिंग धनंजय एमपी जयराज तो ये 1.25 मिनट का ये टीजर था। और जैसा मैंने आपको बताया, जो डॉन थे एमपी जयराज, बाद में पॉलिटिशियन बने एमपी लगा, तो उनके लाइफ के ऊपर ये फिल्म जो है वो बेस्ड है। सुनया सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और धनंजय सर ने खुद प्रोड्यूस भी किया इस फिल्म को। और वो एक ऐसे एक्टर है ना, उनको जो रोल दे दो आप, चाहे गैंगस्टर का दे दो, पुलिस वाले का दे दो, लवर का दे दो। अभी हाल फिलहाल उनका एक और ट्रेलर रिलीज किया गया है, रत्न प्रपंचम। हाँ, रत्न प्रपंचम या प्रपंचम है हाँ, तो उसका भी टीजर रिलीज किया गया है। तो एक ऐसे एक्टर है ना, जो हर कैरेक्टर में घुस जाते हैं और इतने बेहतरीन तरीके से एक्टिंग करते हैं ना, कि ऐसे इंसान को आप हीरो नहीं कह सकते। ऐसे इंसान, ऐसा जो होता है ना, वो एक एक्टर होता है। कि एक्टर और एक हीरो में बहुत डिफरेंस होता है। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, आप फिल्मों के बारे में सोच समझ लेना कि आपको बहुत नॉलेज हो गया है। एक हीरो एक एक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ये प्रॉमिसिंग लग रहा है जो रोल है उनका, जो एक डॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। और स्टार्टिंग में आपने सुना ऑल इंडिया रेडियो का, वहां पे ये बोला गया कि कर्नाटका के जो पुलिस कमिश्नर है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज को, एक पॉलिटिशियन के रूप में एक डॉन को। तो ये फिल्म जब रिलीज होगी, जैसा आपको बताया कि स्टार्टिंग में ही आपने अंग्रेजी में इसका इंट्रोडक्शन देखा, तो ये पैन इंडिया लेवल की फिल्म होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों को अब ऐसे ऐसे एक्टर, मतलब सॉरी, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है, ऐसे ऐसे स्टोरीज के बारे में पता चल रहा है रीजनल में, जो अब निकल के आ रही है एक अलग लेवल पे। तो काफी अच्छा लगता है इस तरीके की फिल्में जब आती है। और ये वॉल्यूम 1 है, हेड बुश का वॉल्यूम 1 है, तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। अब क्या आएगा नहीं आएगा वो तो आने वाले दिनों में पता ही चलेगा। तो देखते हैं फिल्म कब रिलीज होती है और किस लेवल पे रिलीज होती है, किस तरीके का इसको प्रमोशन मिलता है, जो भी होगा आपको पता चली जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।